सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कुश मांडा IAS HCS Academy को और दबाएं नोटिफिकेशन बेल को ताकि आपको हमारी सभी अपडेट मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से कुश मांडा अकेडमी में। और अभी जो हम बात करने जा रहे हैं ये आपका मॉक टेस्ट है सी सेट पेपर पर, ठीक है। तो सी सेट पेपर भी आपका 100 मार्क्स का ही रहेगा और टाइमिंग आपकी 2 घंटे की रहेगी और क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 100 इसमें आएंगे। तो इस पर बात कर लेते हैं। ये टेस्ट हमने हिंदी मीडियम में रखा है, ठीक है, हिंदी मीडियम में हमारा ये टेस्ट, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हिंदी हिंदी मीडियम में भी कुछ आप रखिए। तो शुरू करते हैं और बहुत सिंपल है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी साथ साथ कर सकते हैं। और निम्न में से कौन सा संतुलन का पक्ष है, ठीक है। तो हिंदी मीडियम का ये पहला क्वेश्चन सी सेट के लिए, SCS सी सेट की हम बात कर रहे हैं। तो एक्सप्लेनेशन मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि अभी पहले एक्सप्लेनेशन हमारी GS वाले पेपर की आएगी जिसकी हमने अभी सुबह बात की है, और उसके बाद सी सेट की एक्सप्लेनेशन आएगी। तो अभी 4 ऑप्शन है, आपने काफ़ी पढ़ाई भी की होगी इस पर, और ये जो आपका क्वेश्चन है आपका इंटरपर्सनल स्किल्स से जुड़ा हुआ है, ठीक है, अंतर्वैयक्तिक संबंध एक टॉपिक है उसके अंदर। तो वहाँ से है आपका, तो इफेक्ट, थॉट, मूड और ये सभी। तो संतुलन के जो है 4 पक्ष हैं, तो इसमें ये सभी हैं आपके, ऑल ऑफ द अबव, ये सभी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भावनाओं का प्रमाण स्नायुओं पर होता है, इमोशंस है ना, भावना इमोशंस, तो ये कथन किसका है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो 4 ऑप्शन है आपके, डॉक्टर जे एस्टर, डॉक्टर जे रेमंड, डॉक्टर बोल्टर शेपेल, डॉक्टर बर्न हॉट। तो इसका डी ऑप्शन है। आप मेरे साथ अभी सिर्फ क्वेश्चन टिक करिए उसी टाइम फ्रेम में, और इनके एक्सप्लेनेशन डिटेल में बताऊंगा जरूर, ठीक है ना, उसकी वीडियो हमारी कल आएगी, पहले GS की आएगी इसके बाद इसकी। नेक्स्ट, अति क्रोधी मनुष्य आंख वाला होने होते हुए भी अंधा ही होता है, यह कथन किसका है। 4 ऑप्शन है, तुलसीदास, बाणभट्ट, कबीरदास और वाल्मीकि। तो ये बाणभट्ट का है, जो ये क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं ये इंटरपर्सनल स्किल्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो 15 मिनट क्रोध में रहने से मनुष्य की जितनी शक्ति नष्ट होती है उससे वह साधारण अवस्था में 9 घंटे कड़ी मेहनत कर सकता है, यह कथन किसका है, ठीक है। 15 मिनट में जितनी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, अगर उस एनर्जी से आप 9 घंटे तक बहुत कड़ी मेहनत कर सकते हो। तो 4 ऑप्शन आपके सामने एक बार फिर से, डॉक्टर जे एस्टर और डॉक्टर फ्रायट और डॉक्टर बर्नहार्ट और डॉक्टर वॉल्टर टॉपेल। इसका भी इसका फर्स्ट ऑप्शन है आपका, डॉक्टर जे एस्टर। क्वेश्चन नंबर 5, केवल मनुष्य ही रोता हुआ पैदा होता है, शिकायत करता हुआ जीता है और मरता है, यह कथन किसका है। क्वेश्चन नंबर 5, तो 4 ऑप्शन, बर्नहार्ट, वॉल्टर टॉपेल, एस्टर और रेमंड, इसका आपका सेकंड ऑप्शन। इसको आप लर्न कर लो, वैसे आपने पढ़ा तो होगा ही, खैर इंटरपर्सनल स्किल्स के हमने क्वेश्चन रखे हैं इसमें, तो अभी क्या ना कोई रेशियो उन्होंने फिक्स नहीं किया है कमीशन ने, तो फिर भी हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प की जाए। एल्डर ने जन्म कर्म को कितने भागों में बांटा है, क्वेश्चन नंबर 6। तो आप देखिए 2, 4, 6, 8, तो उसका सेकंड ऑप्शन है 4। अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने तैयारी की है, इस सेक्शन को देखा है, मेरे टेस्ट आपको थोड़ा सा ये भी एहसास कराएंगे कि आपने अभी क्या चीज़ ऐसी है जो आपकी अभी नहीं हुई है, ठीक है। तो उस अभी टाइम है, आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, तो सभी को आता है पीयूष ग्रंथि को। और फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 8, तो 3 और सेकंड है 9, 6 और 15, तो उसका आपका फर्स्ट ऑप्शन है फ्राइड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसके सिद्धांत को वर्णनात्मक और सतही कहा जा सकता है, एडलर, यंग, फ्रायड और रैंक। तो 4 ऑप्शन है, उसका आपका पहला ऑप्शन है एडलर, परसोना का क्या अर्थ होता है, अचेतना, नकाब, चेतना और चिंतन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का नकाब इसका ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11, यंग ने बहिर्मुखता और अंतर्मुखता के आधार पर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए, ना इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, तो 4, 6, 8 और 12। तो 11 का जो ऑप्शन है वो है आपका 8। रैंक के अनुसार कितनी अवस्थाओं के माध्यम से ही व्यक्ति को स्वतंत्रता और स्वायत्तता प्राप्त होती है, तो ये 3, 6, 8 और 10। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3।
जैसा मैं सी सेट वाले क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके सी सेट के सिलेबस से बाहर है, तो आप घबराइए नहीं और कोशिश करो इन क्वेश्चन का जवाब देने के लिए। व्यक्तित्व सिद्धांत के क्षेत्र में अंतर व्यक्तिक सिद्धांतों को सर्वप्रथम किसने महत्व दिया, जो है ना इंटरपर्सनल थ्योरी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए है यंग, रैंक, हार्नी और सुलीवन। तो इसका डी ऑप्शन है आपका सुलीवन। फ्राम ने मनुष्य की कितनी विशिष्ट आवश्यकताओं का वर्णन किया है, तो A3, B5, C7 और D12। तो उसका सेकंड ऑप्शन है आपका 5। क्वेश्चन नंबर 15, पलायन की कितनी प्रमुख मनोरचनाएं हैं, और ए है आपका 4, B8, C12 और D16। क्वेश्चन नंबर 16, फ्राम के अनुसार चरित्र के कितने प्रमुख प्रकार हैं, A3, B5, C8 और D10। तो इसमें आपका बी ऑप्शन होगा। आंसू दुख चिंता क्लेश व मानसिक आघातों से मुक्ति दिलाने तथा मन को हल्का फुल्का बनाकर आकस्मिक हुई मन व्यथाओं को सहने में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, आंसू की बात है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, वोल्टर टोपेल, विलियम ब्रायन, जे एस्टर और डॉक्टर बर्न हॉट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का है आपका बी ऑप्शन, डॉक्टर विलियम ब्रायन। डिसीज एंड रीजन नामक पुस्तक किसकी है, क्वेश्चन नंबर 18, इसका डी ऑप्शन है जे रेमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक शील गुण है, ए आत्मविश्वास, बी सामाजिकता, सी उत्तरदायित्व और आपका डी ये सभी। तो ऑल ऑफ द अबाउट डी। जीवन की कठिनाइयों को पुरुषोचित ढंग से सामना करना क्या कहलाता है, जीवन की कठिनाइयों को पुरुषोचित ढंग से सामना करना क्या कहलाता है, इड, ईगो और पुंस्पृह और पराअहम्। ठीक है, ये मैं आपको डिटेल में जब एक्सप्लेनेशन करूंगा सबको डिटेल में बताऊंगा आपको। ठीक है ना, अभी तो आप कीजिए, और हिंदी मीडियम का टेस्ट लेकर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर व्यक्तिक संबंधों के निर्माण में समस्या उत्पन्न कर सकता है, शर्मिलापन, सांवेगिक परिपक्वता, इमोशनल मैच्योरिटी, असर्टिवनेस और एम्पैथी, दृढ़ता परकता और तदनुभूति। तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है। ठीक है, तो इंटरपर्सनल स्किल से शर्मीले इंसान हमेशा वहां कमजोर होते हैं। तो 22, जब व्यक्ति यह अनुभव करते हैं कि उनके व्यवहार को प्रतिबंधित किया जा सकता है, तो वे एक प्रकार से प्रतिक्रिया करते हैं जिसे कहा जा सकता है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक सतर्कता, मनोवैज्ञानिक प्रतिघात, मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन है आपका मनोवैज्ञानिक दृढ़ता। क्वेश्चन नंबर 23, वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्तिक या गैर व्यक्तिक सूचना का प्रकटन कहलाता है। तो उसमें हो सकता है कि इंटरपर्सनल स्किल्स पर कम भी सवाल आए, लेकिन मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन इसमें रखे हैं। हालांकि 20-25 सवाल हमने यहाँ इस सेक्शन से रखे हैं, हो सकता है 10 ही आए, आएंगे जरूर। तो क्योंकि उन्होंने कुछ क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया है कि किस सेक्शन से ज्यादा आ जाए, और सी सेट में आपने कोशिश करनी है कि 100 में से 100 आपके हो जाए। तो अगर आपने ये सेक्शन प्रिपेयर नहीं किया तो आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका कि वरिष्ठ कनिष्ठ संबंध में व्यक्ति या गैर व्यक्ति सूचना का प्रकटन होता है, तो निकटता, क्लोजनेस और शेयरिंग, ओपननेस और इनफॉर्मेलिटी। क्वेश्चन नंबर 23 का है इनफॉर्मेलिटी। हमारे बहुत से निर्णय परिस्थिति के अप्रासंगिक पक्षों, उदाहरणार्थ वह सुनिश्चित ढंग जिसमें कोई मुद्दा प्रस्तुत किया जाता है, से प्रभावित होते हैं, यह गोचर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का है आपका सी ऑप्शन, व्यक्तिक पुष्टिकरण के रूप में। अब अगला क्वेश्चन जो हमें हमारे सामने आएगा वो क्वेश्चन नंबर 25 आएगा। 24 क्वेश्चन हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये हमने कॉम्प्रिहेंशन रखा है जिसको गद्यांश भी कहते हैं, और इसमें एक पैराग्राफ दिया होता है और उसी पैराग्राफ को पढ़कर, ठीक है, ये जो पैराग्राफ हमने करने होते हैं सब बहुत प्रैक्टिस चाहिए, रीडिंग स्किल आनी चाहिए, रीड करके आप कितना अंडरस्टैंड करते हो। तो पैराग्राफ आपको जो है ना हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा मिलेगा, वहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सर्वविदित है कि सिंधु घाटी, मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताएं विस्मयकारी तथा महान थी। वर्तमान अनुसंधान से यह धारणा दृढ़ होती जा रही है कि भारतीय सभ्यता मिस्र की सभ्यता से भी अधिक प्राचीन है,
तथा उसका क्षेत्र भी अधिक है। मिस्र की सभ्यता की तिथि को प्राचीनतम सिद्ध करने की चेष्टा विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं, चेष्टा पर विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। आज इस सभ्यता के प्रमाण सिंध तथा पंजाब तक ही सीमित नहीं है, वे गुजरात, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश तक पाए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रभाव क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। वास्तव में इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। सिंधु सभ्यता, देख रहे हो आप टाइम कितना लगता है पढ़ने में, और आपने रीड करने के साथ साथ समझना भी है कि कहानी क्या चल रही है। सिंधु सरस्वती सभ्यता के क्षेत्र में प्रमाण मिले हैं कि सन 7000 ईसा पूर्व तक पौधों तथा जानवरों को पालतू बना लिया गया था। 5000 ईसा पूर्व तक तांबे का प्रयोग होने लगा था। 3000 तक इस क्षेत्र में नागरिक सभ्यता स्थापित हो गई थी, और वहाँ पर धातु कला, शिल्प कला, उत्कीर्णन, मूर्ति कला, मुद्रण कला आदि कलाओं के कारीगर थे। 2000 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी तट से मिस्र, मेसोपोटामिया के जहाज भारतीय वस्तुएं लेकर जाते थे। इसमें नगरों का योजनाबद्ध निर्माण, विस्तृत मकान, भूमिगत नालियां, चौड़े सड़कें, नगरवासियों द्वारा मिश्रित धातुओं से निर्मित हथियारों तथा आभूषणों का प्रयोग इस सभ्यता की उत्कृष्ट सभ्यता के प्रमाण है। तो ये जो आप आपके कॉम्प्रिहेंशन आएंगे ना जीएस वाले टॉपिक्स, इसमें मिलेंगे आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी के। तो उसके अलावा भारत के ज्ञान विज्ञान के विकास को 2 कालों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वैदिक तथा शुल्ब सूत्र 2000 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व, दूसरा खगोल तथा गणित काल 1400 से 1200। गणित को विज्ञान की भाषा कहा जाता है। भौतिक विज्ञान के विकास में गणित का बड़ा हाथ रहा है, अतः गणित के विकास को वैज्ञानिक विकास में शामिल करना अनुचित ना होगा। प्रारंभ में गणित का उपयोग यज्ञ की वेदियों, मंदिर, मठ आदि बनाने के लिए, ज्योतिष के लिए किया गया था। वैदिक साहित्य के 4 मुख्य अंग हैं, 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद, ब्राह्मण, उपनिषद तथा वेदांग। ऋग्वेदों की रचना 2000 ईसा पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1028 श्लोक, 10462 ऋचाएं तथा 10 मंडल हैं। विद्वानों की धारणा है कि इनमें विद्या की सभी विद्याओं, अध्यात्म, दर्शन, समाजशास्त्र, गणित, विज्ञान की बीज मिलते हैं। इसके अतिरिक्त वेदों में चिकित्सा, खगोलिकी, तारामंडल, सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र तथा इनकी गति का वर्णन है। विश्व की उत्पत्ति तथा संचालन जिस शाश्वत नियम से हुई है ऋग्वेद में, उसे ऋत सिद्धांत की संज्ञा दी गई। इस प्रकार की स्थापना सर्वप्रथम वेदों में मिलती है। ब्राह्मण ग्रंथों को यज्ञ विज्ञान भी कहा जाता है। इनकी रचना उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारत के विभिन्न भागों में हुई थी। उपनिषद, वेदांगों, सूत्रों तथा इनके भाष्यों की रचना वेदांग पाठशालाओं में हुई थी। वेदांगों में ज्ञान की विशेष शाखाओं का वर्णन है। वेदांगों का विशेष स्वर ज्ञान इन रचनाओं के माध्यम संस्कृत भाषा थी। तो ये कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, पैराग्राफ पढ़ना ऐसा होता है जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ठीक है, कितना पढ़कर आप कितनी बात समझे, ठीक है, उसी पर सवाल दिए होते हैं। तो लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हालांकि मैं जो है और बातें भी करूंगा कॉम्प्रिहेंशन पर, जब इसकी एक्सप्लेनेशन पर हम बात करेंगे कि कॉम्प्रिहेंशन करते हुए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरीके से रीड करना चाहिए, लेकिन अभी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और अभी अभी हमने कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा है। आप पोस्ट करके दोबारा भी उसको देख सकते हो। तो सन 4000 तक इस क्षेत्र में नागरिक सभ्यता स्थापित हो गई थी। सिंधु घाटी में वास्तु धातु कला, शिल्प कला, उत्कीर्णन, मूर्ति कला, मुद्रण कला आदि कलाओं के कारीगर थे। 5000 ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमी तट से मिस्र तथा मेसोपोटामिया के जहाज भारतीय वस्तुएं लेकर नहीं जाते थे। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा गलत है? क्वेश्चन नंबर 25। तो पहला है आपका, मैं गलत पूछा गया है, ठीक है ना, पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका ओनली वन, ठीक है, सेकंड है 1 एंड 2, और सी है 1 एंड 3, और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका सी जो ऑप्शन है, पहला और तीसरा गलत है, ठीक है, ईयर में फर्क है। क्वेश्चन नंबर 26, लेखांश के आधार पर, देखो हमने सवाल वही लिखना जो कॉम्प्रिहेंशन पर दिया हुआ है, पर निम्न कथनों पर विचार करें। सिंधु सरस्वती सभ्यता के क्षेत्र में काफी प्रमाण अभी तक नहीं मिले हैं। सन 7000 ईसा पूर्व तक जानवरों को पालतू बना लिया गया था। सन 8000 ईसा पूर्व तक तांबे का प्रयोग होने लगा था। इस पूछा कि कौन सा सही है, 4 ऑप्शन है जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो सीधा आपने अब अटेम्प्ट ही कीजिए, बाकी चर्चा जो है ना एक्सप्लेनेशन में करेंगे। इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27, ये भी कॉम्प्रिहेंशन पर है, लेखा मतलब कॉम्प्रिहेंशन से लिया गया है। लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। आज इस सभ्यता के प्रमाण सिंध तथा पंजाब तक ही सीमित नहीं है। बोर नहीं होना है आपने, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते पढ़ते बच्चे क्या ना अपना बोर हो जाते हैं। बोर हो गए तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता है। आपने जो है पावर चाहिए, SCS ऑफिसर बनना है, SDM बनना चाहते हो आप, तहसीलदार बनना चाहते हो, तो बिल्कुल जागते रहो।
आज सभ्यता के प्रमाण सिंध तथा पंजाब तक ही सीमित नहीं है, वे गुजरात, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश तक पाए गए हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का प्रभाव क्षेत्र अत्यंत सीमित था। सिंधु घाटी को सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो मैं सीधा ऑप्शन बता देता हूँ, पहला और तीसरा। आप एक बार फिर से उस पैराग्राफ को देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी मिस्र तथा बेबीलोन की सभ्यताएं विस्मयकारी तथा महान थी। भारतीय सभ्यता मिस्र की सभ्यता से भी अधिक प्राचीन है। मिस्र की सभ्यता की तिथि को प्राचीनतम सिद्ध करने की चेष्टा पर विद्वानों ने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए हैं। तो कौन सा सही है? देखो ये जरूर देख लेना आपकी सही पूछा कि गलत पूछा है। ऑप्शन है इसका आपका बी, क्वेश्चन नंबर। हाँ, अब अगला गद्यांश आपके सामने आ जाता है। एक और कॉम्प्रिहेंशन में आपको सलाह ये दूंगा, हालांकि अभी तो हम साथ में रूटीन में वैसे ही कर रहे हैं सीरीज में, लेकिन जब आपके आपके पास पेपर आए तो आप कोशिश करो कि मैथ रीजनिंग वाला सेक्शन पहले कर लो अगर आपका अच्छा है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में टाइम बहुत लगता है। ठीक है, तो कितना टाइम लग जाए आपको उस कॉम्प्रिहेंशन को समझने में, ये तो आप ही को पता है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 19वीं सदी पर है आपका। 19वीं सदी में भारतीय समाज संक्रमण के जिस तीव्र दौर से गुजरा उसे कुछ विचारक पुनर्जागरण कहते हैं, कुछ पुनरुत्थान तो कुछ अन्य नवजागरण। ये सभी शब्द इतिहास के प्रति विशेष दृष्टिकोण पर प्रकट करते हैं। पुनरुत्थान पुनः तथा उत्थान से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है फिर उठ खड़े होना। जो विचारक अतीत को स्वर्ण काल मानते हैं और वर्तमान से असंतुष्ट होकर अतीत को पुनः लौट आना चाहते हैं वे पुनरुत्थानवादी कहलाते हैं। कुछ विचारकों के अनुसार आर्य समाज का नारा वेदों की ओर लौटो ऐसे दृष्टिकोण का प्रतिपादन है, हालांकि आर्य समाज ही इसकी भिन्न व्याख्या करते हैं। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जागना। यह शब्द रिनेसा का अनुवाद है। यूरोप में प्राचीन काल श्रेष्ठ था जबकि मध्यकाल अंधकार का समय था, इसलिए यह नारा काफी अर्थपूर्ण था। इसका तात्पर्य है कि हम अतीत में जागे हुए थे और फिर सो गए, अब पुनः जागने का समय आ गया है। कुछ लोग भारतीय समाज की व्याख्या इसी शब्द से करते हैं। उनका तर्क है कि प्राचीन काल में काल स्वर्णिम युग था जहां दर्शन साहित्य विज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ, लेकिन इस्लामी आक्रमण के बाद भारतीय समाज पतनोन्मुखी हो गया, अब पुनः जागने का समय आ गया है। मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती प्राय इसी भाव को लेकर लिखी गई है। कुछ आधुनिक विचारक भारतीय सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इन दोनों के अपर्याप्त मानते हैं तथा एक भिन्न दृष्टिकोण नवजागरण का प्रतिपादन करते हैं। इसका अर्थ है कि नए तरीके से जागना, इसमें निहित है कि पहले भी हम जागे हुए थे लेकिन अब जागने का दृष्टिकोण बदल गया है। यह व्याख्या मध्यकाल के इतिहास को इस्लाम वह हिंदुत्व की टकराहट नहीं मानती और ना ही अंधकार का या पतन मानती कारण मानती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा आदि चिंतकों ने 19वीं सदी के सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु इसी शब्द को उचित माना है। नवजागरण एक विशेष प्रकार के सांस्कृतिक संक्रमण का दौर है जिसमें कोई समाज किसी अन्य संस्कृति से टकराकर नए दृष्टिकोण से जीने का प्रयास करता है। जिन देशों के पास गौरवमय अतीत है उनमें अतीत की स्मृतियां भी नवजागरण का महत्वपूर्ण हिस्सा बनती हैं। शेष समाजों में अन्य संस्कृतियों से परिचित होना और उनकी तुलना में अपना मूल्यांकन करना जब नवजागरण का कारण बनता है। डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी के शब्दों में कहें तो नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। इस ऊर्जा के प्रभाव स्वरूप दोनों संस्कृतियां एक दूसरे की अच्छाइयां ग्रहण करना चाहती हैं और अपनी बुराइयां छोड़ना चाहती हैं। यही संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया समाज के इतिहास में नवजागरण कहलाती है। भारतीय समाज के इतिहास में ऐसे दो जागरण सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहे हैं। पहला जागरण मध्यकाल से संबंधित है जब भारत में इस्लाम आगमन हुआ। इस्लामी संस्कृति समता मूलक लेकिन कट्टर धार्मिक विचारों पर आधारित थी, जबकि भारतीय संस्कृति धार्मिक लचीलेपन लेकिन विषमता मूलक सामाजिक संरचना पर आधारित थी। इन दोनों की टकराहट से भक्ति कालीन जागरण हुआ और सामासिक संस्कृति उद्भूत हुई। अब इस पर सवाल देख लेते हैं। हाँ, अभी थोड़ा सा रह गया। संस्कृतियां पहले टकराती हैं फिर तटस्थ होती हैं और अंत में धीरे धीरे परिचित होकर परस्पर घुल मिल जाती हैं। घुलने मिलने का यही स्तर सामासिक संस्कृति को जन्म देता है। क्वेश्चन नंबर 29, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करिए। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से पढ़िए। चार चार और तीन ऑप्शन है इसमें, उसके बाद कौन सा कथन सही है तो आप पढ़ो, आप सोल्व करो। आपने पैराग्राफ भी पढ़ लिया है और मैं इसके कोई स्टेटमेंट नहीं पढ़ने वाला हूँ, थोड़ा सा टाइम लगा के आप पढ़िए।
और मैं इसका ऑप्शन आपको बता देता हूँ किसका जवाब आपका होना चाहिए। आप साथ साथ मेरे जवाब दो, ठीक है? ओनली टू एंड थ्री। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें। तो प्राचीन काल को स्वर्णिम युग कहा जाता था। प्राचीन काल में दर्शन, साहित्य और विज्ञान का सर्वोच्च विकास हुआ। इस्लामिक आक्रमण के बाद भारतीय समाज में पतनोन्मुखी नहीं हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 30 का पहला और दूसरा, देखो जो पैराग्राफ में दिया है हमने उसी को ध्यान में रखते हुए अपने जवाब देने हैं, अपने मन से कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 31, लेखांश के आधार पर, लेखांश मतलब आपका ये कॉम्प्रिहेंशन। तो चार तीन ऑप्शन है आपके, इन तीनों में से देखना कौन से सही हैं, ठीक है? ओनली वन एंड टू, केवल टू एंड थ्री, केवल वन एंड थ्री और ये सभी। तो 31 का है आपका सेकंड ऑप्शन, केवल टू और थ्री। 32, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक बार फिर से आप इन्हें पढ़ो और इन पर विचार करो, और उसके बाद जो सही कथन है, जो स्टेटमेंट राइट है, करेक्ट है, वो आपने इसमें से बतानी है। तो इसमें जो है पहली दो आपकी सही है, बाकी मैं जब एक्सप्लेनेशन बताऊंगा तो डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 33, तो इसके लिए एक और कॉम्प्रिहेंशन। भारत में यद्यपि वेदों के अंतर्गत वेश्याओं का उल्लेख है, किंतु इसे एक वैधानिक संस्था का रूप वैदिक युग युग के उपरांत ही हो सका। अर्थात सामाजिक स्थायित्व, प्रगति एवं समृद्धि का स्तर प्राप्त हो जाने के बाद अर्थशास्त्र जैसे राजनीतिक ग्रंथ वेश्यावृत्ति के व्यवसाय का वर्गीकरण करते हैं। वो एक घड़ी का वेश्या को राजदरबार और शासन कार्य का एक आवश्यक दक्ष, एक आवश्यक अंग बताया है। बोध कथाओं के वाखड़ों शैली की वेश्या आम्रपाली पूर्ण दक्ष वेश्याओं में आदर्श थी, जिसे प्राचीन भारत में वेश्याओं की उच्च स्थिति की ओर संकेत मिलता है। प्राचीन भारतीय साहित्य में वेश्यावृत्ति का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि समाज में वेश्यावृत्ति सामाजिक मान्यता प्राप्त थी। मुगल काल में भी वेश्यावृत्ति को प्रोत्साहन मिला। इस काल में कुछ वेश्याओं ने अपने रूप बल पर राजनीति और शासन प्रशासन में भाग लिया। कालांतर में वेश्याओं को उपपत्नी या रखेल के रूप में स्थान मिलने लगा। इस प्रकार सामाजिक समस्या बनती गई। ब्रिटिश शासन काल के दौरान कुछ सामाजिक जागरूक उत्पन्न हुई, जिसके फलस्वरूप समाज में विवाह के एक विवाही स्वरूप को सर्वोच्च मान्यता प्राप्त हुई। इस कारण वेश्याओं का विभक्त स्वरूप प्रकट हुआ, क्योंकि इसने एक नियोजित एवं संगठित व्यापार का रूप धारण कर लिया। वेश्या मानवीय आवश्यकताओं एवं नारी की परिस्थितियों का परिणाम है। किसी भी वेश्या का मूल्य उसकी उपयोगिता व आकर्षण में होता है। वेश्याओं की स्थिति क्या, समाज सामाजिक सोशल इशू है, सोशल इशू दिया हुआ है इन्होंने इस पैराग्राफ में। आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी वाले ही टॉपिक मिलेंगे। तो व्यवसाय की पद्धति सौंदर्यता एवं कलात्मक कुशलता एक जैसी नहीं होती है, अतः वेश्याओं को विभिन्न आधारों पर अनेक श्रेणियों में बांटा जाता रहा है। व्यावसायिक दृष्टिकोण वाले वर्तमान युग में प्राय तीन प्रकार की वेश्याएं होती हैं, ठीक है? ये पढ़ लीजिए आप वेश्याओं के बारे में, तीन तरीके की हैं आपका, ठीक है? नहीं तो ये तीन है। उसके अलावा भारत के संदर्भ में कुछ राज्यों में आर्थिक रीति रिवाजों, थोड़ा सा आप भी पढ़ो मेरे साथ, ठीक है ना? अपने से पढ़ोगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। आप कहो तो मैं रुक भी जाता हूँ, एक बार आप इसे रीड कर लीजिए। ये नाम है आपके, दक्षिण भारत में देवदासी प्रथा, महाराष्ट्र में मुरली, कर्नाटक में वापसी एवं नामिका आदि प्रथा आर्थिक वेश्यावृत्ति वर्ग की श्रेणी में आती हैं, ठीक है? और वेश्यावृत्ति एक पक्षी कारणों का फल नहीं है। पुरुषों की यौन इच्छा की तीव्रता या भाव में वेश्या का अस्तित्व संभव नहीं है, अतः दोनों की पूर्ण स्वीकृति ही वेश्यावृत्ति की एक आवश्यक शर्त है। वेश्या मानव की स्वाभाविक यौन आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन भी है और इसकी संस्कृति का एक अंग भी। यदि वेश्यागमन और पुरुष की रुचि ना होगी तो वेश्या क्या करेगी? अतः वेश्यावृत्ति के सामान्य कारणों की खोज, वेश्या व्यवसाय को अपनाने वाली स्त्रियों की विभिन्न परिस्थितियां एवं आवश्यकताओं के अतिरिक्त वेश्यागामी पुरुषों की प्रेरणाओं के संदर्भ में ही की जानी चाहिए। तो ये और क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तो लेखांश के आधार पर इन कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए हुए हैं, पढ़िए आप एक बार।
पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, तो आप देखो कैसे है, आपके सामने सवाल है, पढ़ो आप। तो आप देख पा रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 33 के जो तीन ऑप्शन दिए हुए हैं तीनों ही ठीक है। नेक्स्ट, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें, और यहाँ भी हमने सही देखना है। एक बार आप रीड करो क्वेश्चन नंबर 34, पढ़िए आप। ठीक है, तो पहला दिया है, उस मुगल काल में वेश्यावृत्ति को पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं मिलता था, ये गलत है, तभी हमने पढ़ा ही था। दो और तीन ये ठीक है, 35 के, 34 के। चलते हैं आगे, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और यहाँ भी पूछा गया है कि कौन सा सही है। तो ऑप्शन है आपके ओनली वन एंड टू के, ओनली टू एंड थ्री एंड ऑल ऑफ द अबव। तो 35 पर एक बार विचार करो आप, पढ़ो देखो एक बार पढ़ के। तो कॉम्प्रिहेंशन में आपको रीडिंग स्किल्स स्किल्स का पता चलता है कि रीड करके कितना अंडरस्टैंड किया, तो इंजॉय करोगे तो कर पाओगे। तो 35 का जो ऑप्शन है हमारा वो सी है, ठीक है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट दिया ना कि निम्न शैली की वैसे आम्रपाली आदर्श नहीं थी, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर 36, एक और क्वेश्चन है इसी कॉम्प्रिहेंशन पर, और इसमें जो है आप पढ़िए एक बार, भारत में वेदों के अंतर्गत वेश्याओं का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, तो जितने स्टेटमेंट है मुझे तो सारे ठीक लग रहे हैं, ठीक है, ये सभी के सभी ठीक है, एक बार पढ़ दीजिए आप। देखो तो प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा कॉम्प्रिहेंशन पर, और 20-25 सवाल आने चाहिए। अगला एक और पैराग्राफ है और भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर है, और मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे पढ़ो, खुद से पढ़ो, ठीक है, आप खुद से पढ़ो, आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा लिखा है और आप अच्छे से देख भी पा रहे होगे। पढ़िए, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ पढ़ने। ठीक है, तो मैं पढ़ देता हूँ, ये जो आपका पैराग्राफ है, भारतीय उपमहाद्वीप के लंबे और घटनाओं से भरे इतिहास में पहले किसी भी सदी में जनता, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन में इतना तीव्र परिवर्तन नहीं आया जितने उस सदी में गांधी जी के जन्म के साथ शुरुआत हुई, और अब समाप्त हो चुकी है। उनके जन्म के समय ब्रिटिश राज्य भारत में जड़े जमा चुके थे। 1857 के उभारने सिपाही विद्रोह और प्रथम स्वाधीनता संग्राम भी कहा जाता है, एक व्यापारिक उद्यम को एक साम्राज्य के रूप में रूपांतरित मात्र किया था। यह अधीनता सिर्फ राजनीतिक ना थी, ठीक है। तो बौद्धिक और सांस्कृतिक दासता भी जल्दी पढ़ देते हैं, भी इसे इतने कारगर ढंग से दृढ़ बनाती थी और कि शिक्षित भारतीयों को नई पीढ़ी उसके सभ्यताकारी मिशन को स्वीकार करने के लिए उत्सुक थी। कोई भी अधीनता इतनी स्थायी नहीं होती जितनी इच्छा पूर्वक स्वीकार की गई अधीनता होती है, और कोई भी जंजीर इतनी सख्त जकड़ नहीं रखती जितना उसे प्यार से जकड़ा जाता है। यह दास्ता स्थायी थी और समर्पण इतना चाकराना कि लगने लगा था कि ब्रिटिश साम्राज्य एक ईश्वरीय देन है और भारत में अब बना ही रहेगा। जब गांधी जी की मृत्यु हुई तो भारत में इसका उनका माध्यम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में किया। वंचित लोगों को अपनी खोई विरासत और मुकुंगों को आवाज मिल चुकी थी। भाई कि सागर में डूबे लोग अब सिर उठाकर चल सकते थे। निहत्तों ने ऐसे हथियार पा लिया था जिसके आगे ब्रिटिश संगीने भी असहाय थी। यह दुनिया के शस्त्रागार का अनोखा हथियार है, हथियार था, किसी को मारे बिना भी विजय प्राप्त करना सफल रहा। इस चमत्कार की कहानी गांधी जी के जीवन की कहानी है। देखो हमने जो पैराग्राफ में दिया ना उसी के नजरिए में हमने जवाब देने, आप क्या सोच सकते हो एक अलग बात है, ठीक है। कारण कि 10 ऐतिहासिक समृद्धि को रूपरेखा बनाने और उसे साकार उन्हें करने में उन्होंने किसी भी अन्य व्यक्ति से बड़ी भूमिका नहीं निभाई। अगर उनके कृतज्ञ राष्ट्रवादियों ने उनको राष्ट्रपिता कहा तो यह कारण नहीं था। फिर भी यह दावा करना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा कि यह रूपांतरण अकेले गांधी जी के कारण आया। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही भी प्रतिभा संपन्न क्यों ना हो, ठीक है, तो ना हो, अकेले एक ऐतिहासिक प्रक्रिया का निर्माता होने का दावा नहीं कर सकता। उनके अनेक उल्लेखनीय पूर्वजों और वरिष्ठ समकालीनों ने भाले गंडा से और तलवारें लेकर वह जंगल साफ करने की कोशिश की थी जिसमें भय, अंधविश्वास और निष्क्रियता जहरीली घासें उग आई थी। उन्होंने यह जमीन तैयार करने में सहायता की थी और गांधी जी की प्रतिभा के एक विशाल कुरुक्षेत्र बना दिया।
ऐसा कुरुक्षेत्र जिसमें जिससे गुजरकर उनके देशवासियों ने स्वतंत्रता की ओर महाप्रयाण किया। अगर वे 101 साल पहले पैदा हुए होते तो शायद ही वह ना होते जो वे बने, ना ही गांधी जी के नेतृत्व में बिना भारत को उस प्रकार अपना भविष्य मिला होता जिस प्रकार अंततः मिला। उनके शानदार तरीके से जिसने उसे स्वतंत्रता भी दिलाई और गरिमा भी, यह इतना अजीबोगरीब तरीका था कि लोग आज हैरान हैं कि क्या इस प्रयोग के को दोबारा दोहराया जा सकता है। तो एक बार तो आप कॉम्प्रिहेंशन को बहुत जल्दी से पढ़ो, कुछ आपको समझ में आएगा। एक बार दोबारा भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम बहुत लगता है सब इसे करने में तो, लेकिन आप इस सारे के सारे ठीक कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपने सही तरीके से समझ लिया है तो क्वेश्चन को सही किया जा सकता है। तो पहला सवाल है आपका, इस बार आप पढ़ो क्वेश्चन को, रेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है आपका क्वेश्चन नंबर 37। तो इसमें जो पहला वाला स्टेटमेंट है, दूसरा स्टेटमेंट है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन ठीक है। बाकी आप भी कोशिश करो साथ साथ, मैं देख रहा हूँ काफी स्टूडेंट्स कोशिश कर रहे हैं। तो आप कीजिए क्वेश्चन नंबर 38, एक और सवाल। रेखांश में इनके एक्सप्लेनेशन जो है ना, अभी मैं बात करूंगा डिटेल में हमारी, उसमें ना 2-3 पार्ट्स में सी सेट की इसकी एक्सप्लेनेशन आएगी। तो अभी हम पहले एक बार अपना क्वेश्चन पेपर पूरा देख लें कि क्या किस तरीके से चीजें हैं। तो एक बार आप जल्दी जल्दी पढ़ो और पढ़ने के बाद जो है ना इसका आंसर सु करने की कोशिश कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसका जो है आपका जो आंसर है, सवाल ये पूछा गया कौन सा गलत है। देखो ये जरूर देखना है आपने कि यहाँ क्या पूछा जा रहा है, ये जो पॉइंट है ना इसे जरूर देखना है। तो इसका सारे ठीक है, डी आपका आएगा, इनमें से कोई भी गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39, लेखांश के आधार पर निम्न कथनों पर विचार करें, बौद्धिक और सांस्कृतिक दास्ता भी इतने कारगर ढंग से दृढ़ बनती थी कि शिक्षित भारतीयों की नई पीढ़ी इस सभ्यताकारी मिशन को स्वीकार करने के लिए उत्सुक नहीं थी, ठीक है। तो ये आपके 39 के तीन ऑप्शन है और ये तीनों के तीनों जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें कौन सा कथन है, कथन पूछा गया कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड को अगर हम देखें, ये गलत है और ये गलत है, ये ठीक है आपका, तो ये आपका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40, तो इसी पैराग्राफ पर हैं फिर तीन स्टेटमेंट, और एक बार पढ़ लो आप, मैं आपको थोड़ा सा टाइम देता हूँ पढ़ने का, ठीक है। और आपने पैराग्राफ पढ़ा भी है, अभी देखा भी है, तो हालांकि हम इसे लाइव कर रहे हैं, आप लोग साथ के साथ पढ़ रहे हो, तो लेकिन जब ये वीडियो पूरी हो जाए तो एक बार पैराग्राफ आप अच्छे से देखना। तो इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ क्या सही है। क्वेश्चन नंबर 40 के सभी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक और है, और अगला जो है ये भी हमारा कॉम्प्रिहेंशन दिया हुआ है, और इस कॉम्प्रिहेंशन में ये कल्चर के ऊपर है, भारतीय संस्कृति सनातन है और अपनी परंपराओं, संस्कार, साहित्य, संगीत, कला आदि के द्वारा दुनिया की सभी संस्कृतियों को उत्पन्न किया है। संस्कृत साहित्य के रूप में ऋग्वेद ने बहुत सारी अन्य भाषाओं के विकास में योगदान दिया, लेकिन अंग्रेजी भाषा भाषाओं के बहुत सारे शब्द जैसे संस्कृत में मात्र अंग्रेजी में मदर बना, पितृ फादर बना, उस प्रकार बहुत सारे शब्द हैं जो संस्कृत से ही निसृत हुए। साहित्य के क्षेत्र में कालिदास का अभिज्ञान शकुंतलम में जिस प्रकार की उपमा का प्रयोग किया गया है वह पूरी दुनिया के लिए इस उपमा का असाधारण महत्व रखता है। गुरु देव रविंद्रनाथ टैगोर ने गति के लिए जिस प्रकार रूपकों का प्रयास किया वह पूरी दुनिया को प्रकृति प्रेम के बारे में नवीन दृष्टि देता है। सितार वादन के क्षेत्र में रविशंकर ने मौखिक रागों का सृजन करके इस वाद्य यंत्र की ना सिर्फ शोभा बढ़ाई बल्कि नए नए रागों का आविष्कार करके संगीत को और विकसित किया। इस प्रकार ऑस्कर विजेता A.R. रहमान ने मौलिक संगीत का विकास करके भारतीय सिनेमा को ही नहीं बल्कि संगीत जगत को लाभ पहुंचाया। भारतीय इतिहास में साहित्य की महत्ता इसी से जानी जा सकती है कि आज दुनिया के सबसे अच्छे विश्वविद्यालय हार्वर्ड में एक विषय के रूप में शामिल किया गया है, क्योंकि इसमें मौलिकता और नवीनता है। भारतीय संस्कृति के सहिष्णुता के तत्व विदेशों से आने वाले विभिन्न संप्रदाय समुदाय के लोगों को अपने में समाहित करके एक सामाजिक संस्कृति का निर्माण करके पूरी दुनिया को एक नायाब तोहफा दिया है। अतिथि देवो भवः की धारणा ने इसको समग्रता प्रदान की और विश्व को समन्वित संस्कृति विकसित करने की प्रेरणा दी। देखो हिंदी मीडियम में है ये, आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, वहां पर दोनों मीडियम में रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 पहला है, भारतीय संस्कृति सनातन है, इसकी अपनी परंपराओं, संस्कार, साहित्य, कला आदि के द्वारा दुनिया की सभी संस्कृतियों को उत्पन्न किया। तो उपर्युक्त कथन का निम्न शर्तों के अनुरूप परीक्षण करो, गद के अनुरूप
गद्य के अनुरूप दिया गया वक्तव्य पूर्ते सत्य गद्य क्या कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसकी सत्यता के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो 41 का आपका ए ही ऑप्शन है। नेक्स्ट 42, तो इसी से लिया गया है और सवाल इन्होंने बताने की कोशिश की है कि सत्यता की परीक्षा करो कौन से सही है इन तीन स्टेटमेंट में से, तो आप कोशिश कीजिए। ऑस्कर विजेता सुरेश कलमाड़ी, सुरेश कलमाड़ी का तो हमने जिक्र ही नहीं किया इसके अंदर, ठीक है ना। तो पहला वाला गलत है और इसके ऑप्शन आएंगे आपके 42 के ये वाले डी, दूसरा और तीसरा, क्वेश्चन नंबर 43। लेखक ऐसा क्यों कह रहा है कि भारतीय संस्कृति के सहिष्णुता के तत्व ने विदेशों से आने वाले हिंदी में भी क्वेश्चन करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, आप देख रहे हो ना कॉम्प्रिहेंशन पढ़ने में कितने जो है ना कितना जो है मुश्किल तरीके से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी को भी, लेकिन हिंदी मीडियम आता है तो मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों से ये कहूंगा कि अगर आपको हिंदी को समझना थोड़ा मुश्किल लगे तो इसका ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में भी मिलेगा वहां पर, तो आप उसे भी देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 43 और ए बी सी डी चार ऑप्शन है और मैं सीधा इसमें जवाब ही बता देता हूँ, डी ऑप्शन है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा जो है ना अभी एक बार पूरा पेपर पढ़ लिया, मैं ये सब जो है ना आपको एक्सप्लेनेशन में मैं आपसे रुक कर बड़े आराम से बात करूंगा सब पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 और ये भी हमने जो है गद्यांश ही रखा है और इसमें हिस्ट्री से है, ये सिंधु सभ्यता के वैज्ञानिक उपलब्धियां का प्रमाण मिलता है जब वाणिज्यिक अंकगणित में अनुपात की पद्धति अंक पर आधारित हुई और यही उच्च संख्याओं के लिए दशमलव को विकसित किया जो धीरे धीरे ज्यामिति और बीजगणित के रूप में विकसित हुई वेदियों का निर्माण इसी ज्यामितीय पद्धति से होता था। आर्यभट्ट ने पाई का मान निकालकर तथा सर्वप्रथम यह खोज की कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इन्होंने ही बताया कि सौर वर्ष की लंबाई 365.358 दिन के बराबर होती है, जो सिद्ध हो चुकी है। ब्रह्मगुप्त नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी में आकर्षण शक्ति है जिसके कारण वह पिंड को अपनी ओर खींचती है, जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अथर्ववेद चरक संहिता सुश्रुत संहिता ने विभिन्न रागों के बारे में बताया तथा उपचार भी बताए जो न केवल आज भी प्रासंगिक हैं बल्कि एक पूर्ण इलाज का आधार रखते हैं, जिसमें कैंसर क्षय रोग आदि विशेष ऐसे उल्लेखनीय है। नागार्जुन के सापेक्षतावाद का सिद्धांत आइंस्टीन से पहले ही भारतीय वैज्ञानिकता को विश्व पर ले आया। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने खगोल शास्त्र में सूर्य के द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा के रूप में स्थापित करवाया। सी वी रमन ने प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित रमन प्रभाव का विस्तृत की संरचना की खोज की भौतिक विज्ञान को समृद्ध किया। क्वेश्चन नंबर 44, तो इसमें हम देख रहे हैं आपका पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 44 है, लेखक द्वारा लिखे गए गद्य में किस प्रकार का गद्य लिखा गया है, व्याख्यात्मक है, तुलनात्मक है, आलोचनात्मक है या विवरणात्मक है। तो आप देख रहे हो उसका डी ऑप्शन है आपका विवरणात्मक। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45, अथर्ववेद चरक संहिता सुश्रुत संहिता ने विभिन्न रोगों के बारे में बताया कि उपचार भी बताए जो न केवल आज भी प्रासंगिक हैं बल्कि एक पूर्ण इलाज का आधार रखते हैं, जिसमें कैंसर क्षय रोग आदि उपयुक्त कथन का निम्न शर्तों के अनुरूप परीक्षण करो। तो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका ए ऑप्शन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आखिर लेखक स्पष्ट रूप से क्या कहना चाहता है। तो चार ऑप्शन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 46 की मैं बात कर रहा हूँ इसमें, और इसमें पहला है आपका अपने इतिहास से कुछ भी सीख ना पाने की मनुष्य की अयोग्यता, और बी है अपने अतीत से कुछ भी ना सीख पाने की मनुष्य की अयोग्यता, सी है आपका लेखक भारतीय चिकित्सा विज्ञान गणित आदि क्षेत्रों में भारतीय विद्वानों द्वारा दिए गए योगदान को बता रहा है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, 48 और 49 के लिए एक और पैराग्राफ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, औपनिवेशिक भारत में प्रादेशिक आधार पर तीन प्रकार की भू धारण प्रणाली प्रचलित थी, जमींदारी, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी। आपने हिस्ट्री में टॉपिक पढ़ा होगा, ज्यादातर क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन में हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी अलग अलग सेक्शंस में आते हैं। तो जमींदारी जिसकी शुरुआत 1793 बंगाल बिहार में कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त से हुई, इसके पीछे कॉर्नवालिस का प्रत्यक्ष उद्देश्य था जमींदार का भूमि से लगाव होगा तो वे इस पर निवेश कर कृषि का विकास करेंगे, परंतु मूलतः कॉर्नवालिस न्यूनतम खर्च पर स्थायी तथा निश्चित लगान प्राप्त करने के साथ साथ अपने समर्थकों का एक प्रभावशाली वर्ग तैयार करना चाहता था। इस पद्धति के तहत कुल लगान वसूली का 10/10
11 भाग कंपनी को देना पड़ता था तथा शेष 1/11 भाग जमींदार का होना था। महलवाड़ी विलियम बेंटिंक द्वारा अवध और आगरा तथा बाद में मध्य प्रदेश तथा पंजाब तक यह व्यवस्था लागू की गई। इस पद्धति में बंदोबस्त की अवधि तथा लगान की दर में क्षेत्रीय भिन्नता थी। गांव को लगान की इकाई माना गया। लंबरदार 5% कमीशन पर लगान वसूली करते थे। रैयतवाड़ी प्रथा मुख्यतः मद्रास तथा बॉम्बे में प्रचलित थी। इसमें कंपनी तथा रैयतों के बीच बिना मध्यस्थ के भी सीधा अनुबंध था। भू राजस्व भूमि की माप का मूल्यांकन के आधार पर नियत की जानी थी। रैयतों का भूमि पर तब तक के लिए स्वामित्व होता था जब तक वे लगान समय पर अदा करने में सक्षम थे। आसान सा पैराग्राफ आया, इसलिए कॉम्प्रिहेंशन भी आते हैं। आपने एक ही बार में समझ लिया कि क्या बात है इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 47 और 48 के लिए बात कर लेते हैं। तो रैयतवाड़ी पद्धति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसके अंदर। तो तीन है आपके ऑप्शन। रेतवाड़ी प्रथा चेन्नई और मुंबई में प्रचलित थी। पूछा गया असत्य कौन सा है। ठीक है, तो ये तो ठीक है। भू राजस्व भूमि की माप तथा मूल्यांकन को आधार बनाकर निर्धारित किया गया। ये भी ठीक है। इसमें भूमि बंदोबस्त जमींदारों के साथ किया गया, ये गलत है। ठीक है, तो यही आपका जवाब है, गलत ही पूछा गया है। क्योंकि बंदोबस्त तो ये तो आपका जो था ना जमींदारी सिस्टम में था। महलवाड़ी पद्धति में किसके द्वारा भूमि का बंदोबस्त किया गया। 48 का गांव के साथ। जमींदारी प्रथा के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो इसे बंगाल बिहार में किया गया, ये बिल्कुल ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया, ये भी ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, ये गलत है आपका। ठीक है, और कृषकों के साथ नहीं किया गया, जमींदारों के। तो इसका है आपका ये पहला और दूसरा। इतिहास के प्रारंभ से ही मानव जाति को किसी न किसी रूप में शासक वर्ग या एक सरकार की आवश्यकता महसूस हुई। चाहे वह गणतांत्रिक हो, स्वेच्छाचारी हो, वणिक वर्ग हो, तानाशाह हो या सैनिक शासन हो, मानव स्वभाव से ही उन्मुक्त होता है। इसलिए यदि उसके ऊपर शासन करने वाली कोई आदेशात्मक सत्ता ना हो तो समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, जो मानव जाति के विकास के लिए बहुत बड़ा अवरोधक साबित हो सकता है। विकास की उत्तरोत्तर दशाएं जब निजी संपत्ति की अवधारणा सामने आई तो भिन्न भिन्न सभ्यताओं ने अपना अपना राष्ट्र राज्य स्थापित कर लिया और उन सीमाओं में शासन करने के लिए स्थानीय सरकारें भी अवतरित हुई, जो सिर्फ स्थानीय आवश्यकताओं को ही ध्यान में रखती थी। लेकिन बदलते वक्त के साथ राष्ट्र राज्य की उत्पत्ति, स्थानीय सरकार की उपस्थिति मानव जाति के कल्याण एवं विकास में पूरी तरह सफल साबित होती नहीं दिखी और यही एक विश्व सरकार की आदर्शात्मक विचार की अभिव्यक्ति हुई। विश्व सरकार की अवधारणा भले ही आदर्शात्मक हो पर विश्व सरकार एक सच्चाई है, चाहे हमें इसकी आवश्यकता हो या ना हो। जब तक विश्व की उपस्थिति एक यथार्थ है और विश्व के सभी देशों में विभिन्नताओं के बावजूद संवाद या मेल जोल है, तभी तभी यह एक विश्व सरकार की उपस्थिति की ओर इशारा करता है। चाहे उस सरकार को पहचान मिली हो या ना, नहीं उसमें कोई नाम दिया गया हो या नहीं, यदि हम परिभाषा के आधार पर देखें तो भी जहां दो या दो से अधिक देशों की संलग्नता होगी वहां एक सरकार अवश्य होगी। तब यह सोचना होगा कि विश्व स्तर पर एक सरकार अनुपस्थित है। ये सोचने के बराबर होगा कि किसी देश, राज्य या समुदाय में सरकार नहीं है। तो इसमें क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व सरकार की अवधारणा भले ही आदर्शात्मक हो पर विश्व सरकार की सच्चाई एक एक सच्चाई है, चाहे हमें इसकी आवश्यकता हो या नहीं। तो 50 पहला वाला तो हमें सही नजर आ रहा है, और जहाँ भी दो या दो से अधिक देशों की संलग्नता होगी वहां सरकार नहीं होगी, ये गलत है आपका। तो सही पूछा गया है, यानी कि ए जवाब आएगा इसका। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 51 है, और हालांकि अभी मैं आपसे जो है ना इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर अभी करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन पेपर पूरा पढ़ना है तो सॉल्यूशन की बात हम करेंगे, एक्सप्लेनेशन की बात अलग से करेंगे। मैंने बताया कि एक वीडियो में आपको अलग से बना कर दूंगा। सवाल पढ़ लेते हैं। राम और मोहन की आय में 8:3 का अनुपात है। यदि उनकी आयु में अंतर 1000 हो तो राम की आय कितनी होगी। आसान सा सवाल है और कर सकते हो, लेकिन मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आपको आप बताऊंगा आपके, उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। चार ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, 1500, 1600 और 600 और आपका 1100। तो आप देखिए, सोल्व करने की कोशिश करिए, अगर आपसे होता है तो। उसके बाद एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, तो वैसे इसका जवाब मैं बता देता हूँ, 1600। आप एक बार सॉल्व कर लेना।
क्वेश्चन नंबर 52। एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है और वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। रेलवे लाइन के नजदीक खड़े एक व्यक्ति से गुजरने में वह कितना समय लेगी? बड़ा आसान सवाल है, ठीक है ना? और आप देखिए, कोशिश करिए, मैं रुक जाता हूँ थोड़ी सी देर। अभी मैं आपको एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा हूँ, ठीक है? वो मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर क्वेश्चन पे मैं डिटेल से मैं बात करूंगा। पहले जीएस का आएगा हमारा कल और रात तक आ जाएगा, और उसके बाद फिर सी सेट का आ जाएगा कल ही। तो वैसे मैं इसका करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ, कई लोगों ने दे भी दिया है जवाब, तो इसका डी ऑप्शन है आपका। क्वेश्चन नंबर 53। यदि किसी संख्या का घन किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन से इकाई अंक कौन सा अंक इकाई स्थान पर हो सकता है? तो 1, 8, 0 से 9 तक कोई भी, और 9। क्वेश्चन नंबर 53। कोशिश कीजिए आप, ठीक है ना? क्यूब के ऊपर सवाल पूछा गया है, तो इसका सी है आपका। आप कीजिए कोशिश। क्वेश्चन नंबर 54। दिए गए अक्षर समूह द्वारा कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है? AUBEYT। तो ऑप्शन है आपके अबाउट, ब्यूटी, इवेंटली और AUBT। क्वेश्चन नंबर 54। तो सबने जवाब दे दिया है, तो देखते ही ब्यूटी। और बड़ा आसान सा सवाल है एक बार ये, ठीक है ना? ये बड़ा आसान सा सवाल है, इसको सॉल्व करना है आपने। मान पूछा गया है, चार ऑप्शन है आपके, और आप देखिए एक बार 55 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जवाब मैं बता देता हूँ, 9.2 है। सॉल्यूशन मैं आपको कल डिस्कस करूंगा। 56। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। देखो, आपको एक लेवल ही पता चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आप देखोगे आपको मिलेंगे, ठीक है? तो 20% की छूट देता है, और 20% का लाभ होता है दुकानदार ना, तो यदि दुकानदार ना छूट दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? परसेंटेज की मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई है एक पेपर में, और भी मैं उसमें वीडियोस बनाऊंगा अभी दूसरे टाइप्स को लेकर, तो इसे आप खुद से कीजिए। मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है? 50 है। अभी आगे बढ़ते हैं, और जब सॉल्यूशन बताऊंगा तो तब आप इन्हें से समझना कैसे 50 आया। एक कक्षा में चार विद्यार्थियों में के प्राप्तांक क्रमशः 7 to 0, इसमें 0 अक्स छपा हुआ है, 60 और 63 और 65 है, उनका औसत प्राप्तांक क्या हुआ? बड़ा आसान है, कई लोगों ने जवाब दे दिए, ठीक है? तो सॉल्यूशन किस तरीके से होगा वो हम कल बात करेंगे। तो वैसे तो ये जोड़ के आपने 4 से डिवाइड करना। अगला है, कपिल और अवतार ने किसी व्यापार में क्रमशः 1300 रुपये और 1400 रुपये लगाए। यदि वर्ष के अंत में 675 का लाभ हुआ तो कपिल को लाभ में कितने रुपए मिले? 320, 325, 345, 340। तो इन सब की शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मेरी कल वाली वीडियो जरूर देखना। हर सवाल का जवाब जो है 5 से 10 सेकंड में मिलेगा आपको। वैसे मैं इसका ऑप्शन बता देता हूँ, 3 to 5। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निम्नलिखित में से क्या होगी जो 4, 8 और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 111, 112, 110 और 108। तो कॉमन सेंस से भी हो सकता है, तो आप एक बार डिवाइड करके देख लो, तो इसका बी ऑप्शन है। 2 की पावर 50 को तो 2 गुना किया का कितना होगा? 2 की पावर 50 का 2 गुना कितना होगा? 2 की पावर 51। आप करके देखिए सोल्व इसे। 360 का 30% माइनस 280 का 10% इज इक्वल टू 800। तो परसेंटेज है, तो कमान बताओ, परसेंट का मान बताओ, सवाल पूछा गया है, सोल्व करना है इसे। तो 15, 12, 10 और 14। अभी मैं आपको सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, अभी आप क्वेश्चंस कर रहे हो, आपने सॉल्व करना है, अभी आपकी बारी है सॉल्व करने की। जब मैं सॉल्यूशन दूंगा तब मेरी बारी आएगी, ठीक है? तो 61 के बाद है आपका 62। सुषमा रश्मि से धनी है जबकि आनंद प्रिया से अमीर है। अरुण रश्मि जितना अमीर है, शोभा सुषमा से अमीर है। उपर्युक्त कथन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, देखिए कोशिश करिए। मैं रुका हुआ हूँ, आप करिए कोशिश। हाँ जी, सी जवाब इसका, ठीक है? सी सी जवाब है। क्वेश्चन नंबर 63। किस धन का 10% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रित धन 3131 होगा?
ठीक है, सीआई के लिए एक हमारी वीडियोस आने वाली है, कल आएगी, ठीक है, उसमें ये सब वो सेकंड्स में निकल कर आएंगे। इसका जवाब मैं बता देता हूँ, 1000 हजार है। और नीचे दिए गए चार शब्दों में से तीन शब्द एक दूसरे से विशेष समानता रखते हुए एक समूह बनाते हैं, कौन सा शब्द उस समूह से संबंधित नहीं है? गाजर, आलू, मूली, बैंगन। ठीक है, गाजर, आलू, मूली, बैंगन। तो आप समझ रहे हो कि गाजर, आलू, मूली, बैंगन ये तीनों जमीन के अंदर होते हैं, बैंगन तो नहीं होता है। तो डी ऑप्शन है इसका। सॉल्यूशन की बात करें, 65। एक कक्षा में 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलोग्राम है, यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए तो उनका वजन औसत वजन 1 किलोग्राम और अधिक हो जाता है। बड़ा आसान सवाल है, तो अध्यापक का वजन क्या होगा? आप कोशिश करो सब। ठीक है, तो इसका है आपका 42 किलोग्राम। कैसा है? बड़ा आसान है, मुश्किल से 2 सेकंड का, कल बात करूंगा। 66। एक घड़ी, किसी घड़ी के घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री घूमती है? आसान है, बचपन में किया होगा आपने, थर्ड फोर्थ सेकंड क्लास में। 66 कहा है आपका, हाफ डिग्री। 30 और 40 का एलसीएम पूछा गया है, 30 और 40 का एलसीएम पूछा गया है। और तो इसमें आप देख पा रहे हो आपका 500 60 बड़ा आसान है, 210। 68। 4 मीटर लंबे और 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च क्या होगा? ऐसे सवाल जो है ना आपने 9th और 10th में और 8th 6th 7th में भी किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 68, चार ऑप्शन है, आप इसे कर लीजिएगा, आपको आ रहा होगा। इसका सॉल्यूशन मैं कल बताऊंगा, ऑप्शन बता देता हूँ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, नीचे दिए गए पाई चार्ट के ऊपर सवाल है। पाई चार्ट का सवाल हालांकि बड़ा आसान होता है, बड़ा आसान सवाल होता है पाई चार्ट का जो सवाल आता है, और एक पाई चार्ट तो आपके एग्जाम में आएगा जरूर। ठीक है, तो अध्ययन करके संबंधित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो यदि भोजन पर खर्च 750 रुपये प्रति माह हो तो बच्चों की शिक्षा पर वार्षिक व्यय कितने रुपए होगा? ठीक है, परसेंटेज वाले टाइप से ये क्वेश्चंस निकल आते हैं, और आप कोशिश करो। सभी आप ध्यान से देखो, 40% भोजन पर है, 20% कपड़े पर है, और देखिए आप कोशिश करिए। मैं इसका फिर भी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, आप कर लीजिए। 69 का है आपका सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर उपयुक्त विकल्प का चुनाव करें, MNOPQ RSTUV AWXYZA, उसके बाद क्या? तो क्वेश्चन नंबर 70 का जो है आपका पहला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, काम शुरू होने के 3 बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बड़ा आसान सवाल है, मैं आपको टाइम वर्क पर जो है ना इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्दी देने वाला हूँ, इसका मैं ऑप्शन बता देता हूँ, आपने कर भी लिया है तो 14 डेज। क्वेश्चन नंबर 72, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उनको बदलने के लिए दिए गए विकल्पों में से सही अंकों का चुनाव करें, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 7, उसके बाद ये तो कौन से जो है अंक आने चाहिए 72 में है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए, 11 13 10 11 8 9 और 9 11। कैसे आए कल बात करेंगे। तो संयुक्त छायांकित क्षेत्र किस आयु वर्ग को प्रदर्शित करता है? तो एक ही पिक्चर दी हुई है और इसमें दिखाया गया 50 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, 20 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, 40 वर्ष से अधिक परंतु 60 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 73। तो जिस तरीके से भी आप करते हो एक बार आप कोशिश कीजिए, मेरा सोल्यूशन कल आएगा। इसका वैसे मैं ऑप्शन बता देता हूँ कि डी इसका जवाब है। एक दुकानदार एक वस्तु पर उसके क्रिया मूल्य का 3/4 भाग अंकित करता है, यदि वह अंकित मूल्य पर 40% लाभ लेकर उस वस्तु को बेचे तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? प्रॉफिट लॉस वाला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 74। तो किस तरीके से निकलेगा नेक्स्ट वीडियो में, अभी मैं इसका ऑप्शन बता रहा हूँ, या 5% प्रॉफिट, 0.24। अभी तो आप ही कोशिश करो, को सबसे छोटी भिन्न में बदलकर लिखेंगे 75, तो इसका ऑप्शन आप देख ही रहे हो, आप कर सकते हो, आसान है, इसका सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76, ए बी के पिता है, सी डी का पुत्र है, निम्न में से ये ब्लड रिलेशन पे है, कौन से कथन द्वारा निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सी ए का पुत्र है?
सी बी की पत्नी है, बी डी की पत्नी बहन है, डी ए की पुत्री है, बी डी की पुत्री है। क्वेश्चन नंबर 76 का आपका बी जवाब है, ठीक है, सॉल्यूशन में कल बताऊंगा। 77, चीनी का भाव 40% बढ़ने पर कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर देगी, परिवार का खर्च ना बढ़े, ठीक है। इसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, ठीक है, तो उसे आप देखो, देखते जवाब आ जाएगा, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा आपको, बाकी हम कल भी बात करेंगे। 77 का है आपका बी ऑप्शन। 78 ये दिया हुआ है, इसको सोल्व करना है, बहुत आसान है, सेकेंड क्लास का काम है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी। एक सर्किल पर बड़ा आसान सवाल है, एक वृत्त का व्यास 49 मीटर है, उसकी परिधि कितनी होगी, और ऑप्शन है आपके 133, 154, 119, 105, इसका बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 80 सॉल्व करना है इसे, आप देखिए, आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ये तो मेरी वीडियो देखना आप, जो हम उस पर सोल्यूशन वाली देने वाले हैं, और बाकी मैं ऑप्शन बता देता हूँ आपको। डी, ये ऑप्शन है इसका, क्वेश्चन नंबर 81। तो शब्दों का सही प्राकृतिक क्रम बताइए, तो इसमें डी है आपका शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, यौवन और प्रौढ़। क्वेश्चन नंबर 82, इसमें पूछा गया है, एक चित्र दिया गया है, त्रिभुजों की संख्या बताओ, इस सवाल बहुत आते हैं, इस पर मैंने आपको एक लेक्चर अलग से रखूंगा, जिसमें त्रिभुज चतुर्भुज की संख्या, ठीक है, कोई चित्र दिया हुआ होता है, उसमें बिना कुछ किए पता चल जाता है, क्या तरीका होता है, बहुत शॉर्ट ट्रिक है इसकी, 5 10 5 7 सेकंड की, गिनने की जरूरत नहीं रहेगी आपकी, और इसका लेकिन मैं जवाब बता देता हूँ, यहाँ पर इसका ऑप्शन है 12, सॉल्यूशन की बात आगे होगी। 83, नीचे दिए गए शब्दों में से शब्दकोश में आखिरी शब्द कौन सा होगा, ओपाइन, ओपियम, आउटर, और बड़ा आसान सवाल है, अगर आपको डिक्शनरी देखनी आती है तो। इसमें क्वेश्चन नंबर 83 का है आपका डी। बेमेल, चाचा और भतीजा, पिता और पुत्री, भाई और बहन, सास और सॉरी ससुर और दामाद। 84, भाई और बहन, निर्देशानुसार करें, कतिपय कोड प्रणाली में HNDT को 6394 के रूप में कूटबद्ध किया गया, इस कोड प्रणाली के तहत THD को किस प्रकार कूटबद्ध करेंगे, तो इसमें आपके सामने ये ऑप्शन है 4604, 428, 469, ठीक है, 349, इसका आपका सी ऑप्शन। 86, निम्न नीचे आकृतियों के समूह है, और प्रश्न आकृति है, उत्तर आकृति, प्रश्न आकृति में एक और दो के बीच सुनिश्चित संबंध है, उत्तर आकृति का चयन कर प्रकृति चयन कर आकृति 3 से 4 के बीच इसी संबंध को स्थापित करें। क्वेश्चन नंबर 86, तो 86 में आप देख पा रहे हो कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, और इसके बाद क्या होना चाहिए, उत्तर आकृतियों में हमने छांटना है, तो इसका जवाब है आपका कर, आप देख भी पा रहे हो रिलेशन, बाकी कल भी बात होगी। क्वेश्चन नंबर 86 के बाद है आपका 86 के बाद है आपका 87, ठीक है, 87 की बात कर लेते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन हमारा मिस हो गया है, कोई बात नहीं है, 88 की बात कर लेते हैं। तो निम्न संख्याओं का अध्ययन कीजिए और उचित विकल्प ढूंढकर श्रृंखला को पूरा कीजिए, और 6 3 12, 6 और 20 4, तो इसमें आप देख पा रहे हो 4 ऑप्शन है आपके सामने, और ये हमने सीरीज को पूरा करना है, तो 6 3 12 6 बड़ा आसान है, देखते कई लोगों ने दे भी दिया है कई स्टूडेंट्स ने। 89, इस प्रश्न से आकृतियों के दो समूह दिए गए हैं, एक समूह में प्रश्न आकृतियां व दूसरे में उत्तर आकृतियां हैं, उत्तर आकृतियों को ABCD द्वारा दर्शाया गया है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, बड़ा आसान, देखते कई स्टूडेंट्स ने इसका जवाब दे दिया है। कल से पहले का दिन शुक्रवार था, कल के बाद का दिन बताइए, इसका जवाब भी आ गया है, मंगलवार। खालिस्तान भरो, खालिस्तान में सही अक्षर भरें, ABZ, BCY, CDX, DEW, करने की कोशिश करो आप, हाँ जी, EFV। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दी गई श्रृंखला में खाली जगह है, नीचे दिए गए संभावित उत्तर में से
सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1 + 1 + 2 + 3 + 5 + 8 + 13। क्वेश्चन नंबर 92 का है आपका बी 21। क्वेश्चन नंबर 93, यदि सत्यता और बनावटीपन एक प्रश्न युग्म के दो शब्द हैं तो उत्तर युग्म का दूसरा शब्द क्या होगा? इसका पहला शब्द विशेषज्ञ है। नौसिखिया, दिए गए प्रश्न नीचे दिए गए प्रसंग पर अधोलिखित हैं। रीमा तथा गेसु नृत्य एवं संगीत में पारंगत हैं। सोनल व रोसु संगीत एवं चित्रकला में पारंगत हैं। रीमा व नेहा व्याख्यान एवं नृत्य में पारंगत हैं। नेहा व सोनल चित्रकारी व व्याख्यान में पारंगत हैं। नृत्य संगीत एवं व्याख्यान में पारंगत लड़की का नाम बताओ। ठीक है, नहीं तो आप कोशिश करो, सोल्यूशन बताऊंगा तो मैं आपको जरूर बताऊँगा। इसका जवाब बता देता हूँ आपको, रीमा। क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दिए गए श्रृंखला में खाली जगह के स्थान पर दिए गए संभावित उत्तर में से सही उत्तर चुनकर भरिए। ACTGIJ। तो ऑप्शन देख रहे हो आप, MOP, MNO, MNP, NOP। तो इसका ऑप्शन है आपका ए। क्वेश्चन नंबर 95 का, और इसके बाद है आपका 96। यदि अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखें तो एन के दाईं ओर आठवां अक्षर बताइए, एफ। क्वेश्चन नंबर 97, रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर। ज़्यादा बड़े आसान सवाल होते हैं यहाँ पे डायरेक्शन वाले। फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है और सफर तय करता है ना, डिस्टेंस और डायरेक्शन वाले। तो वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूरी पर है? तो इसको जो है ना आप साथ साथ ये आपने कर भी दिया है, 97 का 5 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 98, तो दिए गए हुए विकल्पों में से चिन्ह के दाईं ओर दूसरे जोड़े के लिए स्थान की पूर्ता करें, पूर्ति करिए प्रकाश किरण और आवाज के साथ किया आएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक, तरंग जवाब। निम्न शब्दों को किसी क्रम में लिखो जिसमें वे शब्द कोश में पाए जाते हैं, ये भी बड़ा आसान सवाल है। साइन, सॉलिड, सिंपल, सीन, और इसका जवाब आप दीजिए। हाँ जी आ गया जवाब इसका, सी। क्वेश्चन नंबर 100, 11 × 5 + 8 − 2। आसान सा सवाल है और इसका कोशिश करो आप एक बार करने की से। हाँ जी 5D जवाब है इसका। तो ये हमने एक पेपर अभी डिस्कस किया है आपसे SCS CSET के लिए। इसमें मैंने सॉल्यूशंस की बात नहीं की है तो आपने घबराना नहीं है, आपने खुद सोल्व करके देखना है कि आपसे कितना हो पाया। आप पोस्ट करके भी देख सकते हो लाइव होने के बाद, जब ये आपके पास वीडियो होगी हमारे चैनल पर तो आप इसको बार बार पोस्ट करके देखो कि कितने टाइम फ्रेम में आपने इसको किया है। और बाकी मैं कल इसकी आपके सॉल्यूशंस पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और मेरी दिल से दुआ है आपके लिए कि भगवान आप सभी को SCS ऑफिसर बनाए। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।